रामगढ़ ताल थाना की पुलिस ने चोरी व लूट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि रामगढ़ ताल थाना प्रभारी सत्य सान्याल शर्मा को मुखबिर द्वारा मिली चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त को फलमंडी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राकेश पुत्र केशर लाल मौर्य निवासी खुर्रमपुर नॉर्मल स्कूल के पास थाना राजघाट गोरखपुर के रूप में हुई, जिसके पास से पुलिस ने 1980 रुपया बरामद किया, जिस पर पहले से ही थाने में मुकदमा पंजीकृत है। ये शातिर किस्म का अपराधी है जो घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है तथा चोरी किए गए सामानों को बेचकर अपने शौक पूरा करता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सत्य सान्याल शर्मा, उप निरीक्षक कमलेश कुमार यादव, उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह, चौकी प्रभारी आजाद नगर कांस्टेबल बबलू कुमार यादव देवानंद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, रामगढ़ताल पुलिस द्वारा क्या गिरफ्तार किया गया? रामगढ़ताल पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, इसमें कोई नगद पैसे चोरी हुए थे। यद्यप चोरी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसको बड़ा संजीदा तरीके से लिया और इसमें एक आज महमा मंडी के पास से एक राकेश नाम का अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। उसने जुर्म कबूल भी किया और उसमें से कुछ पैसे भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। आज उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इससे पहले भी उसका कुछ अपराधी किया? अभी ये तस्दीक किया जा रहा है, अभी ये चीज़ तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इस घटना को उसने स्वयं कबूल किया और पैसे भी वही बरामद हुए।